आइए भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना के लिए हम लोग प्रार्थना करें। आंखें हम बंद कर लें, भ्रूमध्य के चारों तरफ आभा मंडल का दर्शन करें, जीवा को पीछे की तरफ उलट करके रखें, सिर और रीढ़ ब्रह्म गुफा में मन को एकाग्र करें और हम विश्वास करें कि जब सिर से पैर की उंगली तक इस राष्ट्र में और राम राज्य हम लाएंगे तभी बाहर राम राज्य की स्थापना हो पाएगी। हे परब्रह्म, हे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अमर सर्वव्यापी प्रभु, ऐसी कृपा करें, ऐसी भक्ति दें कि हम आपको अपने स्वरूप में खोजें। जैसे जैसे आपको अपने स्वरूप में हम पाएंगे कि राम हमारे श्वास में है, सिर से पैर की उंगली तक एक एक अंग में है, इसमें होने वाले एक एक अनुभूतियों में है, वैसे वैसे अपने इस राष्ट्र में सिर से पैर की उंगली तक ये जो राष्ट्र है इसमें राम राज्य की स्थापना होगी, इसमें धन की कमी नहीं होगी। जिस धन को हम कहते हैं इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति, समत्व, ईश्वर में पूर्ण एकाग्रता, अनंत धैर्य और निरंतर प्रभु की अनुभूति, ये निरंतर होती रहेगी। जब हम साधना के द्वारा अपने इस राष्ट्र में राम राज्य की स्थापना में लग जाएंगे तो पैर जिधर चलेंगे, हाथ जो भी कार्य करेंगे, सभी कर्म और सभी यात्रा, ये सब भारत में राम राज्य की स्थापना करेंगे। अब दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखें, जो मुख्य स्थान है जिसे नाभि केंद्र कहा गया है, यही ब्रह्मा का स्थान है, जहाँ ब्रह्मा वहीं विष्णु, यही विष्णु का स्थान है, जहाँ ब्रह्मा और विष्णु वहीं शिव, यही उनका स्थान है। सिर से पैर की उंगली तक एकाग्रता बढ़ाते जाएं, ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति सबसे अधिक प्रकट होती है इसी जगह पर जहाँ हथेली रखे हैं, इसलिए जो अवतार हैं उनके सिर के पीछे एक गोल आभा मंडल बनाया जाता है, वो इसी स्थान को प्रकट करता है। सिर और रीर पर एकाग्रता बढ़ा करके जीवा पीछे की तरफ उलट कर रखें, आँख बंद रखते हुए माथे के सामने आभा मंडल का दर्शन करते हुए फिर हम प्रार्थना करें। हे परब्रह्म, हे परम पिता, हे दिव्य माँ, हमें यह सिखाएं किसी भी चीज़ को पाने के लिए हम सत्कर्म करें। सबसे बड़ा सत्कर्म है इस शरीर राष्ट्र में राम राज्य की स्थापना। जब राम राज्य की स्थापना होगी इसमें कोई कमी नहीं होगी, इंद्रियों में अनंत शक्ति, मन की अनंत शक्ति, समत्व, अनंत एकाग्रता प्रभु में और अनंत धैर्य निरंतर प्रकाशित होगा। जब हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो पैर जिधर चलेंगे, हाथ जो भी करेंगे, हम जो भी बोलेंगे, जो सोचेंगे, सभी कर्मों से राष्ट्र में राम राज्य की स्थापना होगी। हाथ को ऊपर उठाएं, अंगुलियों को फैलाएं, हथेली फैलाएं, दोनों हाथ से हम सिर को पकड़कर इसे दबाकर अनुभव करें। सिर के प्रत्येक बिंदु पर, हर जगह पर, अंदर और सतह पर परब्रह्म का वास है, ये पावन और पवित्र है, इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं। चेहरे का स्पर्श करें, माथा, आँखें, नाक, गाल, ओट, ठुड्डी, नीचे का जबड़ा, कान, इसके चारों तरफ, गला, एक एक जगह पर एकाग्रता बढ़ाएं।
सब जगह पर परब्रह्म का वास है, दाहिना हाथ बायां हाथ, दाहिने और बाएं हाथ में हर जगह हर बिंदु पर परब्रह्म का वास है, इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं। सीना और पेट, सीना पेटे के साथ पीठ का अनुभव, पीठ के ऊपर का भाग, बीच का भाग, नीचे का भाग, सब जगह हम एकाग्रता बढ़ाएं। इस विचार के साथ यहाँ सब जगह परब्रह्म है, इसमें जितनी एकाग्रता बढ़ाएंगे, सभी प्रकार के परिवर्तनों को स्वीकार करेंगे, उतने ही शीघ्रता से परब्रह्म का दर्शन होगा। नितंब, जांग का जोड़, दोनों जांग, घुटना, पिंडली, टखना और दोनों पंजा, इसे पकड़कर दबाकर अनुभव करें। हर जगह पर परब्रह्म का वास है। आज से हम इस बात को याद रखें, सिर से पैर की उंगली तक यही अपना सबसे निकटतम मंदिर है, यही तीर्थ है, सब कुछ इसी में मिलेगा। हमें संकल्प लें कब सारी राष्ट्र में राम राज्य की स्थापना शुरू कर देंगे। जो साधना भगवान राम ने किया था वही हम प्रारंभ करेंगे। अब आइए हम नमन करते हैं अपने इस संकल्प को और इस सत्संग सभा को, भगवान राम को, भगवान राम के जितने अवतार हैं, माँ सीता के जितने अवतार हैं, हम सबको नमन करें और अपने सद्गुरु को नमन करें।